पिछले साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान के बाद अब जाकर थिएटर्स में बिजलियां दौड़ा देने वाला माहौल बना है। ये प्रभास का स्टार्डम है, ये कल की 2898 एडी का क्रेज है। कल के 2898 एडी का ट्रेलर ये यकीन दिलाने में पूरी तरह कामयाब था कि ये इंडिया की अपनी सुपर हीरो फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पर धमाका करने का दम रखती है। साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक प्रभास और हिंदी टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण कल के 2898 एडी के लीड एक्टर्स हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक और साउथ के उलगाना यागन यानी यूनिवर्सल स्टार कमल हसन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और बंगाली सिनेमा से निकल कर आए शाश्वत चैटर्जी फिल्म में एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं। कल के 2898 एडी इंडियन माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन के साथ लेकर आ रही है और ये एक्सपेरिमेंट ट्रेलर में ही शानदार नतीजे लेकर आता दिख रहा था। फर्स्ट लुक के बाद से ही कल की 2898 का इंतजार जनता टकटकी लगाए कर रही थी और आखिरकार वो वक्त आ गया है जब 2024 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थिएटर्स में जनता के सामने है। आइए बात करते हैं कैसी है फिल्म, कैसा है माहौल और कैसा है इस दमदार स्टार कास्ट का भौकाल। कल की 2898 एडी के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागाश्विन ने एक दिलचस्प संसार रखा है। डिस्टोपियन वर्ल्ड की सेटिंग में काशी के डिटेल सारे रिपोर्ट से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। प्रभास का किरदार भैरव हर रोज सर्वाइवल की जंग लड़ रहे लोगों के बीच वैसे ही सोच वाला इंटरेस्टिंग किरदार है। उनका बाउंटिंग हंटर परसोना इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसकी कॉमेडी थोड़ी ओवर द टॉप लगती है। भैरव की एंट्री काशी में उसकी लाइफ बहुत रेगुलर लगती है। ये पोर्शन प्रभास फैंस को तो बहुत भाएगा लेकिन बाकियों को थोड़ा खिंचा हुआ लग सकता है, मगर इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागाश्विन असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले केयरलेस माहौल बनाते हैं। साइंस फिक्शन वाले संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हसन यानी सुप्रीम यास्की के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेंगे। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पीक पर होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा चुका है। इसके साथ ही दीपिका की प्रेगनेंसी का एंगल भरपूर इमोशन के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर चुका है जिस पर सेट कहानी जानने की एक्साइटमेंट बहुत तगड़ी महसूस होती है। देखते हैं अब सेकंड हाफ क्या कमाल करता है। कल की 2898 की एंट्री काशी से होती है लेकिन इंटरवल के बाद एक और नया संसार कहानी में आता है, शंबाला। ये बाकी दुनिया से छिपकर रखी गई एक जगह है। यहाँ वो लोग हैं जो तबाह होने जा रही दुनिया के आखिरी छोर पर एक उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। फर्स्ट हाफ में ये बेस तैयार कर दिया गया था कि दीपिका यानी सुमति के गर्भ में पल रहा बच्चा साधारण नहीं है। उसमें असाधारण क्या है ये फिल्म के सेकंड हाफ में पता चलता है। कॉम्प्लेक्स से बचकर भाग निकली सुमति पर बाउंटी है जिसके लिए भैरव उसे पकड़ना चाहता है। कॉम्प्लेक्स के लिए सुमति एक बहुमूल्य एक्सपेरिमेंट है और अश्वत्थामा के लिए अगले अवतार की माँ, इसलिए वो हमेशा सुमति की रक्षा में तैयार है। कल की 2898 एडी का सारा दम सेकंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ के बनाए प्लेटफॉर्म से फिल्म की कहानी जिस तरह ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदार को खोलती है, उसे देखते हुए सांस थाम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आइए अब जानते हैं कि किसने लाइमलाइट लूट ली, प्रभास या अमिताभ। वैसे तो आप इसे प्रभास की फिल्म मान देखने जाएंगे लेकिन जब थिएटर से निकलेंगे तो अमिताभ बच्चन की चर्चा ज्यादा करेंगे। 81 साल की उम्र में भी उन्होंने कमाल का काम किया है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। प्रभास का भी एक्शन सीक्वेंस दमदार है, खास तौर से आखिरी के 20 मिनट में उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली है। फर्स्ट हाफ में प्रभास का थोड़ा अलग और मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला है। दीपिका पादुकोण को जितना भी स्क्रीन टाइम मिला उसमें वो निराश नहीं करती। फिल्म में दिशा पटानी का भी छोटा सा रोल है जो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। विलन बने कमल हसन का स्क्रीन टाइम भी कम ही रखा गया है। उनके राइट हैंड बने शाश्वत चटर्जी भी अपने रोल के साथ न्याय करते दिखते हैं। इस फिल्म में आधा दर्जन बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने कैमियो किया है जो कि फिल्म का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है। नागाश्विन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल्स के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह डेवलप किया है उसके लिए तारीफ बनती है। कल की 2898 एडी की अपनी समस्याएं भी हैं, मगर ये ऐसी फिल्म है जिसे इस बात के लिए थिएटर्स में देखा जाना चाहिए कि आज की विजुअल लैंग्वेज इंडियन कल्चर की ग्रेटनेस को कितना शानदार दिखा सकती है। हमने इंडिया में ऐसी फिल्म बना ली है ये यकीन करने के लिए कल की 2898 एडी जरूर देखे जाने लायक फिल्म है। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।